नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। वैसे इस समय हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हाल में जहाँ पे हाउस लगता है, इस समय हम हमारे साथ यहाँ के काउंसिलर जुड़े हैं। सर, आपका नाम? द्वारका चौधरी। द्वारका सर, क्या कहेंगे आज जो हाउस था, क्या यहाँ पे गतिविधियाँ, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पे कुछ रेजुलेशन चल रहे थे, मेरा भी रेजुलेशन था, मैंने ट्रैफिक में डाला था कि गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत शहर के अंदर रस बढ़ गया है, इसके लिए कोई पार्किंग स्लॉट होनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी स्टेट लैंड है, जहाँ कोई नाले बड़े हैं, वहाँ पे स्लैब डाल के कुछ ना कुछ, ताकि गाड़ियाँ उसके वहाँ लोग पार्क कर सकें। ये मेरा भी था, वो पास किया गया, उस पर काफ़ी चर्चा हुई एक घंटा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो जम्मू की है आजकल पार्किंग की, बहुत पार्किंग बहुत ज़्यादा थी। यही मेरा, इससे लोग यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के दुकानदारों को भी काफ़ी नुकसान। यही मेरा आज का जो रेजुलेशन था, और उस रेजुलेशन के ऊपर तकरीबन 70% लोगों ने बात की, और सबको जो प्रॉब्लम है शहर के अंदर, और सब ने कहा कि ये जो रेजुलेशन है इसको पास किया जाए, और हमारी बाड़ों के अंदर ये जहाँ पे पार्किंग स्लॉट बनाए जाएं। तो ये सब पास हुआ, और उसके बाद और भी कई रेजुलेशन आए, और जो लास्ट अभी रेजुलेशन था ये था PSO को सिक्योरिटी को लेकर के। जैसे हमारी रितु चौधरी जी, पिछली आपने पता है कारपोरेटर है, और उसने जहाँ बात उठाई थी, कुछ लोग इंक्रोचर हैं जो इंक्रोचमेंट करते हैं, और वहाँ पर एक मंदिर था, मंदिर के की इंक्रोचमेंट हुई थी, और वहाँ पे जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उसको इंक्रोचमेंट को हटाया, तो वो लोग ने उन्होंने हमला कर दिया कॉरपोरेटर के ऊपर। हमने वो भी कहा कि ये गलत है, उसको एक तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, दूसरा उसके ऊपर FIR क्यों लगाई गई, जबकि कॉरपोरेटर का क्या कसूर है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देख रही है कि ये कहाँ गलत बिल्डिंग बन रही है, कहाँ कहाँ सही बन रही है, इस पर भी बात हुई। और अभी जो लास्ट हमारा यह हुआ कि जो सिक्योरिटी दी जाए, हमने कहा कई बार उसके रेजुलेशन पड़े हैं सिक्योरिटी के लिए, प्लस बाकी जो है हमें जैसे हनरेरियम है, वैसे उन्होंने कहा कि जहाँ पे कोई जो काम करने का अलाउंस है वो दिया, वर्किंग अलाउंस दिया जाए कॉरपोरेटर को, बाढ़ में जो काम करते हैं, क्योंकि 10,000 रुपया बहुत कम है। उस पर बात हुई, और दो तीन और बातें थी, उसी को लेकर के सब ने कहा कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे, क्योंकि कई बार हमने रेजुलेशन दिए हैं जहाँ पास होते हैं, लेकिन अगेन हमें दिया, तो अब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्यों जा रहे हैं? कि कुछ पास हुए, कुछ नहीं हुए? जो जो सिक्योरिटी की, हनरेरियम की और प्रोटोकॉल की बात थी, इस पर जो है ये बात कई बार हाउस में हो चुकी है, हमने जहाँ पे रेजुलेशन पास करके ऑलरेडी गवर्नमेंट को भेजा हुआ है, ये बोलते पे कई बार जो रेजुलेशन गए हैं इन पर क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंट इनको करते। आज हम सब लोग जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बाहर जाके धरना लगाएंगे, जब वो हमें पूछेंगे तो हम बताएंगे कि कितनी बार हम लोगों ने ये रेजुलेशन डालने हैं, हमें जो डिमांड करते हैं, हमारी डिमांड को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, इसको पूरा किया जाए, इन्हीं को लेकर। जैसे लगातार इस समय हमको लाइव विजुअल बता रहे, इस समय जो कि हाउस के जो इस समय GMC जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और यहाँ पर रेजोल्यूशन रखी गई, और द्वारका जो यहाँ के काउंसिलर हैं, पर एक विडम्बना की बहुत बात है, ये लोग बात कर रहे हैं अपने प्रोटोकॉल के लिए, ये लोग बात कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर, ये बात कर रहे हैं अपने ऑनर एनिम को लेकर, पर सबसे बड़ा सवाल कि जनता की बात कोई करेगा? कि जनता की बात किसी ने की? जनता के हित की किसी ने सोचा? यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है, मे बी इस वीडियो से कईयों को दिक्कत भी हो, पर सच्चाई तो यही है कि क्या जनता के लिए किसी ने कुछ मांगा कि जनता को ये दुविधा है, जनता के ये मसले हैं, हर वार्ड में जनता के ये मसले मसाइल हैं, पर यहाँ पर बात की गई अपने प्रोटोकॉल को लेकर, यहाँ पर बात की गई ऑनरेरियम को लेकर, यहाँ पर बात की गई सिक्योरिटी को लेकर, यानी कि PSO इनको मिलने चाहिए। जो भी समय हमारी जनता में देख रही, अपने सुझाव ज़रूर रखें, क्या ये सही है या गलत। इस समय में आपको यहाँ के लाइव जो कि विजुअल बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाउस के अंदर के। प्रीतम सर, आज मैंने बड़ा इश्यू उठाया,
25 के काउंसलर अरुण खन्ना जी। अरुण जी, आपने क्या रेजोल्यूशन रखा आज हाउस में जाना चाहेंगे? आज शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है पार्किंग की है, उसके अंतर्गत हमारी रिहाड़ी कॉलोनी के अंदर जो एक रिफ्यूजी कॉलोनी है, जो जब हम यहाँ पे हमें कॉलोनी लाट हुई थी तब यहाँ पॉपुलेशन जो है एक घर की थी वो 4 मेंबर थी और हर घर में 30 लोग, मिनिमम 30 लोग की फैमिली थी और सबके पास गाड़ियाँ हैं। और खुशकिस्मती से मेरे वार्ड में मंदिर है, आर्य समाज है, 3 स्कूल है, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है, मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, शिशु समाधियाँ हैं और सरवाल हॉस्पिटल है। जब भी यहाँ पे उठाला होता है या सरवाल हॉस्पिटल में कोई ज़्यादा पेशेंट रहते हैं, वो गाड़ियाँ हमारे आगे पीछे मोहल्ले में पार करके चले जाते हैं। तो ये जो स्कूल है गर्ल्स मिडिल स्कूल, ये पहले भी प्रपोज था जो वो पार्क के लिए था, लेकिन उस टाइम के हालात पे वहाँ पे पार्क स्कूल बन गया पार्क की जगह। आज गवर्नमेंट ने एक किया है कि जो स्कूल है वो मर्ज करेंगे दूसरे स्कूलों में। उसी के संदर्भ में मैंने आज हाउस में रेजोल्यूशन डाला है कि जो पार्क है इसको, एक पार्क को बड़ा किया जाए, इसके अंडरग्राउंड डबल स्टोरी पार्किंग की जाए, जो उस इलाके की सारी समस्या का हल हो जाए, जिसको सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ गौरव चोपड़ा जुड़े हैं। हमेशा शिकायत रही है आपको जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जनता को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर? तो हमेशा रहेगी क्योंकि काम ही नहीं हो रहा। यहाँ मेयर साहब को अपना प्रोटोकॉल नहीं मालूम है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आगे ऐसे खड़े हैं जैसे उसके पीए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपनी चेयर पे बैठा रहता है और मेयर साहब पीए बन के खड़े हुए हैं। हमारा जो लड़ाई है वो हमारे प्रोटोकॉल्स की है, क्योंकि इस वक्त इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स ही सारा काम देख रहे हैं। इस वक्त तो ना चीफ मिनिस्टर है, ना MLA है, ना MLC है, और जो इनके MP हैं वो तो दिखते ही नहीं है। तो मसला ये है कि शिकायत तो हमें रहेगी क्योंकि काम नहीं हो रहा, 2.5 साल हो गए। आप हमें बताएं कि जम्मू शहर के अंदर कितनी खस्ता हालत है। आज स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उसमें डोगरी गायब कर देते हैं, हिंदी गायब कर देते हैं, कुछ इनका तालमेल ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को नहीं मानती है और ये लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं और इनको अपना प्रोटोकॉल का नहीं मालूम है। जिस तरीके से हमने कहा कि जो गांधीनगर में रेडी जोन बना है वो उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि नहीं किया, उसकी वजह से ट्रैफिक की वायलेंस कितनी होती है वहाँ। आप देखें शाम को जब भी आप जाते हैं वहाँ इतनी गाड़ियाँ लगी होती हैं कि दूसरी गाड़ी निकलने का साधन ही कोई होता। बिल्कुल, जो डिमोलिश जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से डिमोलिशन चल रही है, आप देखेंगे एक व्यक्ति जो है वो लोन लेकर या कमेटी लेकर उधार लेकर एक बिल्डिंग बनाता है, आपके इंस्पेक्टर्स को, आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को उसी वक्त उसे रोकना चाहिए जब वहाँ पर वो नींव रखता है। जब वो बिल्डिंग बन जाती है, लेंटर पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपकी कमीशन सेट होती है, फिर वो आप जम्मू वालों को पनिशमेंट देते हो, आप उन अधिकारियों को क्यों नहीं पनिशमेंट देते जो उस वक्त मौके के ऊपर होते हैं। मेरा जो आज का प्रपोजल है, जो मेरा रेजोल्यूशन है, वो यही है कि तमाम उन अधिकारियों, चाहे वो कमिश्नर हो, जॉइंट कमिश्नर हो, खिलाफ वर्जी हो, चीफ खिलाफ वर्जी हो, उस टाइम के जो जिन्होंने इसको इनलीगल बिल्डिंग को बनने दिया हो, आप देखें कि जो 29 रेस्टोरेंट सीज हुए, आज सीज कर दिया, कल डिमोलिश आर्डर आ जाएगा, तो उन लोगों का तो नुकसान हो गया। वो जम्मू के लोकल लोग हैं, उनके फेवर में कौन बोलेगा? क्यों नहीं आपके अधिकारी जब उस वक्त बन रहे दे रहे थे तो उनके ऊपर क्यों नहीं FIR लगती, उनको क्यों नहीं? गौरव जी, अभी आपने एक बात कही कि रेडी जोन की बात करें, आपको नहीं लगता जो आप बात करें कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, जो लोग वहाँ पर रेडी लगाते हैं उन लोगों का रोजगार, उन लोगों के परिवार का पेट भी वहीं से भरता है। हमने ये कहा कि रेडी जोन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आइडेंटिफाई किया है, एक रेडी जोन हब बनाना चाहते हैं, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि ये जितनी भी रेडीज हैं ये स्ट्रीट फूड वहाँ पे हो जाए, ताकि ना ट्रैफिक की वायलेंस हो, ना किसी और प्रकार की वायलेंस हो, लोगों को रोजगार भी मिले और वहाँ पे ट्रैफिक की बंदोबस्त भी हो। अब डे बाय डे हमारे वार्डों में और मेन सड़कों पे ट्रैफिक की समस्या इतनी बढ़ती जा रही है। आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, हमें यहाँ से अगर ऊपर पार्किंग लगानी हो तो 1 घंटा तो हमें यहाँ पे लग जाता है। तो क्या करें, हम नहीं चाहते किसी का रोजगार छीनना, हम रोजगार देना चाहते हैं और परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। पर आज यहाँ पे जो भी कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर काउंसलर्स हैं, उन्होंने अपने प्रोटोकॉल की बात की, उन्होंने अपनी ऑनरेनियम की बात की, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की बात की, PSOs की बात की, तो अगर उनकी बात की तो जनता की बात कौन करेगा सर? जनता की बात तो की है, आप देखें कि एक हमारी कॉर्पोरेटर रितु चौधरी के ऊपर अटैक होता है, उसके घर वाले के ऊपर अटैक होता है, कॉर्पोरेटर्स भी तो अपना काम कर रहे हैं और कॉर्पोरेटर्स जो काम कर रहे हैं वो जनता का ही काम कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेटर्स अपना पर्सनल काम नहीं कर रहे हैं, जनता की आवाज़ बनकर वो लोग आए हैं। और जब कोई उनके खिलाफ कोई साजिश होती है तो अगर वो PSOs मांग रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कोई बुराई है उसमें जी, तो वो उनको मिलने चाहिए जी। धन्यवाद गौरव जी, हमारे साथ ये हम ऐसे मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कि पूरे विजुअल बताए, यहाँ से कॉर्पोरेटर काउंसिलर से भी बात की, हर एक ने अपना अपना रेजोल्यूशन यहाँ पर रखा। जो मेन रेजोल्यूशन उनका कि जिस तरह से रितु चौधरी मंदिर के इशू को लेकर उन पर अटैक हुआ था,
और उसमें दो लोग जख्मी भी हुए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनके आज के जो मुद्दे थे वो थे ऑनर एनिम को लेकर, प्रोटोकॉल को लेकर और साथ ही साथ पीएसओ को लेकर, यानी सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर है, और सब ने अपने अपने रेजोल्यूशन रखे हैं। चलिए देखते हैं इन रेजोल्यूशन से जनता को क्या फ़ायदा होता है, कि जनता के मुद्दे जो कि तू रहते हैं आने वाले समय में इन्हीं के माध्यम से जनता के मुद्दों को भी उनका भी हल होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।